भाई, इससे अच्छा शगुन तो और कोई हो ही नहीं सकता। घर की बहू ने अपने हाथों से दरवाजा खोला। ओए, घर में आने से पहले ही घर की लक्ष्मी ने हमें दर्शन दे दिए। वाह भाई वाह। पर क्या हुआ पुत्र, ऐसे क्या देख रही है? मैंने वो शब्द ने इसे बताया नहीं होगा ना कि हम कौन है। मैं हूँ शब्द का ताया और ये है शब्द की ताई। और तू है माही, है ना? ऐनी सोनी पसंद मेरे शब्द के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती। अरे ताई जी, आप बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अभी? उत्तर, मजा तो बगैर इन्फॉर्मेशन के आता है। याद है जब तू छोटा सा था और भटिंडा में हमारे पास छुट्टियों में आया करता था, तो मेरे सामने अचानक छलांग मार के कहता था, ताया जी सरप्राइज। बस हमने भी तेरा तरीका फॉलो किया और आ गए। पास पास और कैसी हैं आप ताई जी? पुत्र, मैं तो बिल्कुल फिट और फाइन हूँ। तू बता, तू कैसा है? कितना बदल गया है मेरा पुत्र। हाँ, वो आप अंदर आइए ना, मैं सामान लेके आता हूँ। सामान थोड़ा ज्यादा है। अरे कोई बात नहीं, आप आइए ना। चलिए चलिए। शब्द पुत्र, घर तो बड़ा खूबसूरत बना लिया तुमने। हाँ, आप आइए ना, बैठिए बैठिए। अरे आपने आने की खबर दे दी होती। बेटा, आने की खबर कैसे देता? तेरी ताई के साथ मैंने शर्त लगाई थी कि मैं तेरे घर का रास्ता भूलूंगा नहीं, और मैं भूला नहीं। तेरी ताई शर्त हार गई, इसलिए खबर नहीं थी। इनकी पुरानी बीमारी है, पटिंडा में भी सबके साथ शर्तें लगाते रहते थे। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? ओए पुत्र, अब तो सारे बच्चे सेटल हो गए, वाहेगुरु की कृपा है, हम बूढ़े हो गए, तो मैंने सोचा कि अपने शब्द और उसकी वोटी से मिला जाए। एक मिनट, बूढ़े होंगे आप? मैं तो भी जवान हूँ, क्यों भाई शब्द? हाँ, ताई जी, you are very beautiful. Thank you, पुत्र। देखा, बच्चों से कुछ सीखो, हमेशा बुढ़ापे की तरफ देखते रहते हो। ऐमे खाम खा। बिल्लो, तू भी ना, तू तू कभी सुधरेगी नहीं। मैंने कुछ गलत कहा? चल चल, ठीक है ठीक है ठीक। लेकिन पुत्र, एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि हम तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हो सके। कोई बात नहीं दोजी। दरअसल क्या हुआ कि तुम्हारा बस बस, ये बातें तो बाद में भी हो सकती है ना, पहले बच्चों को शादी की बधाई तो दे दो। बेशब्द हम तेरी शादी में शरीक नहीं हो पाए, पर लगता है हमारा इंतजार बेकार नहीं गया। किन्नी सोहनी कुड़ी लेके आया है मेरा शब्द। बस बस पुत्र, तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे, दूधो नहाओ पूतो फलो। क्या पूतो? ओहो, मेरा मतलब है तुम दोनों हमेशा खुश रहो, और तुम्हारे जो बच्चे होंगे ना, मतलब हमारे पोते पोती, वो भी खुश रहे। मतलब समझ गया ना अपनी ताई का? हाँ समझ गया मैं। अब अपना पूरा घर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? अरे लेकिन आप तो थक गए होंगे ना, मैं रूम रेडी कराता हूँ। जी सर, गेस्ट रूम रेडी करा दीजिए। जी आप आराम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। चलिए। किन्नी परवाह है तुझे हमारी शब्द पुत्र, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये बैग, ये बैग माही का है। तुसे कहीं जा रहे थे पुत्र? जी नहीं, लगता है हम ना गलत वक्त पे आ गए हैं। नहीं नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है, वो माही है ना, वो अपनी बहन को मिलने जा रही थी।
लेकिन आप लोग अभी आ गए तो कोई बात नहीं, वो बाद में चली जाएगी। क्यों माई, तुम अपनी सिस्टर को फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि तुम बाद में आ जाओगे। चल तू आ जा मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। शब्द है ना, इसके बचपन के सारे किस्से कहानियां सुनाऊंगी मैं तुझे। हंस गई पुत्र, अब तेरी ताई जो नॉनस्टॉप बोलेगी ना, उससे मैं भी नहीं बच पाऊंगा। चुप, मेरा पहला इंप्रेशन ना खराब करो, तुझसे बिना काम का। कल सोनी जीत से मिलने गई थी, उस लक्कड़ वाले की कुड़ी ने मेरे बेटे के कान जरूर भरे होंगे, जिस वजह से मेरा बेटा इतना उदास और परेशान हो गया है। मम्मा आजकल आप सोचने बहुत लगे हो, दिमाग पर ना इतना जोर मत डाला करो। सोच रही थी कि शादी में जो जो हुआ कहीं सोनी ने जीत को बता तो नहीं दिया ना, बता तो नहीं दिया कि मैं उसकी शादी किसी जवान लड़के से नहीं बल्कि किसी बुढ़े शर्मा जी से करना चाह रही थी, और एन मौके पे पोल खुल गई और फिर वीर ने शादी करने का फैसला कर लिया। मम्मा अगर सोनी ने जीत को सब कुछ बता दिया होगा तो? मुझे भी इसी बात का डर है झूठी, जीत की खामोशी किसी आने वाले तूफान का अंदेशा तो नहीं? कल अगर मुझ पे सवाल उठे ना, ध्यान रखना मैं सोनी का जीना मुश्किल कर दूंगी। सोनी, तुमने मेरी प्रोजेक्ट फाइल कहीं देखी है? येलो कलर की है, पता नहीं मैंने कहां रख दी। हाँ, उस ड्रॉवर में रखी है। अरे वीर, देखिए ना इसे, सिमरन कितना हंस रही है। इससे पहले मैंने इसे इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा। आइए ना, देखिए ना। जल्दी आइए, आज ने इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है आज शरारत के मूड में है ना? है ना? तुम्हारे भाई के साथ शादी करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मर्जी थी। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। आई एम सॉरी, आप काम कर रहे थे, कहीं मैंने और सिमरन ने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं सोनी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि काम की वजह से मुझे जो थोड़ी परेशानी थी वो सिमरन की मुस्कुराहट ने दूर कर दी। और सोनी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हालात ने तुम्हारे चेहरे से जो तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी, आज कितने वक्त बाद तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान फिर लौट आई है। इस मुस्कुराहट को बरकरार रखना, हालात की वजह से इसे खोने मत देना। कितना यकीन है आपको मुझ पर वीर, और मेरी ये बनावटी मुस्कान आपके यकीन को धोखा दे रही है। जीत की आंखों में अपने लिए जो प्यार अब भी नजर आता है,
उसे मैं नफरत में बदल देना चाहती हूँ ताकि वो मुझे पूरी जिंदगी नफरत करे। उसके लिए मैं आपको जरिया बना रही हूँ वीर, मुझे माफ कर दीजिएगा, इसी में हम सबकी भलाई है, मुझे माफ कर दीजिएगा वीर। ताईजी के सामने हमारे रिश्ते के बारे में झूठ बोलना पड़ा और अगर इस झूठ से उन्हें खुशी मिलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता कि जिस रिश्ते का बोझ हम ढो रहे हैं उसकी सच्चाई जान के उन्हें कोई ठेस पहुंचे। देखो वो कुछ ही दिनों के लिए हमारे साथ रहने आए हैं तो मेरे हिसाब से तुम्हें भी रुक जाना चाहिए। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई ठेस पहुंचे। किसी भी तरह उन्हें हमारी रिश्ते की सच्चाई की भनक भी उनके पास नहीं पहुंचनी चाहिए। यही रिक्वेस्ट है मेरी। आई होप तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। आप ना भी कहते तो भी मैं ताईजी ताऊजी को हमारे इस रिश्ते की सच्चाई नहीं बताती। अपने से बड़ों को दुख पहुंचाने की इजाजत मेरे संस्कार मुझे नहीं देते। थैंक यू। ताऊजी ताईजी के जाने के बाद मैं अपने फैसले के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। ये लो जी, आहा पकौड़े। रहने दे सुनी, तली हुई चीजा खाने का मुझे शौक नहीं है। पुत्र जी, मुझे बड़ा शौक है। अपनी जिंदगी में इससे बढ़िया पकौड़े खाए नहीं मैंने। मतलब है दुर्गा के हाथ के बने पकौड़े खाने के बाद ये पर जाई जी के हाथ के बने हुए पकोड़े। वीर जी एक बात तो माननी पड़ेगी, भाई आप मजाक शजाक बहुत अच्छा करते हो। ओ जीते, तू किधर चल दिया? वो इतना बढ़िया पकोड़े बनाया सोनी ने, टेस्ट तो कर ले। मुझे काम है। अरे जीते रुक जा, कम से कम नाश्ता तो करके जा। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। कमाल है। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं जीत से बात करके आता हूं। ये मुझे पकौड़े बहुत पसंद है। जीत जीत जीत, आखिर बात क्या है? जब से तू वापस लौट कर आया है तू बहुत परेशान सा रहने लगा है। अब तो तूने हम सबसे बात तक करना बंद कर दिया है। क्यों? इस बर्ताव की वजह क्या है? जीत, क्या तू अपने भाई को भी नहीं बताना चाहता? वो आज अपने मन का इतना बड़ा दुख अपने भाई से बांटना जरूरी नहीं समझ रहा? देख जीत, तू अच्छी तरह जानता है कि तेरा दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जीते तेरा दुख, तेरी तकलीफ अब मेरी तकलीफ बनती जा रही है। क्या तू अपने भाई को तकलीफ में देखना चाहता है? बोलना जीत, तू चुप क्यों है? बताना कुछ, बताना जीत। क्या किसी ने तेरा दिल तोड़ा? क्या कोई लड़की है तेरी जिंदगी? या फिर मुझसे कोई गलती हुई है?
कहीं कहीं ऐसी बात तो नहीं कि मैंने तेरे दिल को चोट पहुंचाई है? क्या मैंने तेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है जीत? बताना जीत, बताना तू चुप क्यों है, बताना। हाँ, हाँ।